Hello children, how are you? Fine. So lastly, I basically give the concept of Gandhiji's economic thought, and the most important, or you can say the bullet point in that, is the doctrine of trusteeship. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. Basically doctrine of trusteeship, यानी trusteeship है क्या exactly? गांधी जी trusteeship किसे कहते हैं, बराबर है? तो that we will try to understand here. देखो एक चीज समझो कि नो डाउट जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो किसी भी बिजनेस को रन ऑन करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, लेकिन अकेला बुद्धि होना इनफ नहीं है. कैपिटल एक फैक्टर है और लेबर एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तो गांधी जी का ये कहना था कि जो लोग उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी भागीदारी निभाते हैं तो उन लोगों को भी जो है प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए. सिर्फ वेज दे देने से काम चलेगा नहीं. तो उससे ये होगा कि जो सामने वाला है उसको भी एक मोटिवेशन मिलेगा वर्क करने के लिए, एक मोटिवेशन कॉज मिलेगा उसे वर्क करने के लिए. एंड एट द सेम टाइम हु इज द एंटरप्रेन्योर, बिकॉज इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सब लोगों को साथ लेकर चले. तो ही इज एक्चुअली नॉट ऑनर ऑफ द एंटायर रिसोर्सेस, बट ही इज द ट्रस्टी. इन गुजराती वी कैन से ए रखेवाड़ छे, रखवाला है, मालिक नहीं है, रखवाला है, बराबर है. वो जब तक जो है उसको री ऑन करेगा, चलाएगा, तब तक जो है उसकी ये जवाबदारी आती है कि सब लोगों के लिए वर्क करे. पैसा उसका होने के बावजूद जो गीता में अपरिग्रह की बात की गई है कि सब कुछ उसका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस भाव में रहे कि भाई मैं इसका मालिक हूँ. मैंने बोला ना, ये गांधी जी की फिलोसॉफी जो है पचाना हर एक के बस की बात नहीं है भाई, बराबर है. आपका पैसा हो और आप ये बोलो नहीं ये तो मेरा है ही नहीं, और उस हिसाब से अपने आप को ढालना ही बड़ा चैलेंजिंग काम है. लेकिन गांधी जी ने बहुत एक हाई लेवल के समाज की जो है सपना देखा था, और वहाँ पर उन्होंने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप का ये कंसेप्ट प्रोपाउंड किया था. तो इसको एंड इट इज प्योरली बेस्ड ऑन श्रीमद् भगवद्गीता. भगवद्गीता इसलिए, और गांधी जी ने उसके ऊपर स्पेसिफिकली एक अलग से बुक भी लिखी, दैट इज द अनासक्त योग. गांधी जी की भगवद्गीता के ऊपर जो टीका है अनासक्त योग, उसके अंदर आपको ब्रॉड सेंस में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट आपको मिलेगा. अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गांधी जी के थॉट्स के ऊपर तो डेफिनेटली आप ये बुक रेफर कर सकते हो. तो हम लोग यहाँ पे जरा शॉर्ट में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप? सो ट्रस्टीशिप इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल गिवन बाय द गांधी जी. ही हैज गिव हिज प्रिंसिपल गेटिंग इंस्पायर्ड बाय भगवद्गीता एंड द ईशोपनिषद. द ईशोपनिषद कोट, ऑल द क्रिएट ऑन द अर्थ इज बिकॉज ऑफ गॉड एंड हेंस वी मस्ट रियलाइज आफ्टर सरेंडरिंग इट. ओके, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत है जगत, ऐसा जो है ईशावास्य उपनिषद में लिखा गया है. सब कुछ ईश्वर का क्रिएट किया गया है और अल्टीमेटली हमें लास्ट में उसकी ही शरण में जाना है. इफ अ पर्सन इज इनहेरिटेंट एंड अकुमुलेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ देन ही शी शुड फॉर्म अ ट्रस्ट ऑफ एक्सेस वेल्थ. वॉट एवर द वधारणा जो मनी छे, दैट मनी शुड बी क्रिएटेड इन अ फॉर्म ऑफ ट्रस्ट. A person require only as much as wealth as he necessary for the dignified living. बराबर, आदमी को कितने पैसे की जरूरत? आप लोगों ने शायद, I don't know, मेरे को भी याद नहीं है कि आपके 11th में या 12th में है, दोनों में से किसी एक स्टैंडर्ड में, शायद 11th में ही है मेरे ख्याल से. आप लोगों ने इंग्लिश में जो है लियो टॉलस्टॉय की एक स्टोरी आती है कि कितनी जमीन की जरूरत, बराबर है. और जब वो जमीन मापने जाता है तो उसको कंडीशन दी जाती है कि सुबह से चल के शाम तक आप यहाँ पे पहुँचो, इतनी ज़मीन अगर आप माप सकते हो तो उतनी ज़मीन तुम्हारी. और अल्टीमेटली वो ज़मीन के लालच में जो अपनी दौड़ लगाता है, बराबर है, और शाम को जब वो जिस जगह पे पहुँचता है जो उसको बताया गया है, वहाँ पर पहुँचने के बाद में उसकी हालत ऐसी हो जाती है वो बचते ही नहीं है, और वो जो है 2 गज नीचे ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है. जिस जमीन की लालच में उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में भी नहीं सोचा, अल्टीमेटली उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़मीन की ज़रूरत थी? 2 गज ज़मीन की, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी.
बराबर, आदमी को उतनी जमीन की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बराबर है। लेकिन हम फिर भी जो है वह उसी तरह से सेम वे हमारे लाइफ में वेल्थ की कितनी जरूरत, लेकिन हम क्या करते हैं उससे कई गुना ज्यादा स्टोर करके रखते हैं और उसके पीछे अपनी जिंदगी में हाय हाय दवा मचा के रखते हैं, बराबर। और वही जो है सारे के सारे जितने भी हमारे लाइफ में सॉरोज है उसका रूट कॉज है। तो ये चीज गांधी जी ने समझाने की जो है कोशिश की है। सो गांधी जी सेइंग फर्दर दैट By imposing high taxes was not a appropriate way to distributing wealth. गांधी जी ये बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास एक्सेस वेल्थ है तो उसके ऊपर टैक्स लगा के जो है क्या कहते हैं पैसा अक्यूमुलेट करके लोगों का वेलबींग करना उसमें कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। गांधी जी ऐसा बोलते हैं, रिच आर एबल टू अक्यूमुलेट वेल्थ बिकॉज टू रिसोर्स ऑब्टेंड फ्रॉम द सोसाइटी एंड बिकॉज सम पीपल रिमेन पुअर, हैंस द एक्सेस वेल्थ मस्ट बी यूज टू द बेनिफिट ऑफ द पुअर, बराबर है। तो सरकार जो है टैक्स वसूल करके उस पैसे का इस्तेमाल लोगों के वेलफेयर के लिए करे तो इससे अच्छा ये नहीं है कि जो खुद उस वेल्थ को ऑन कर रहा है कमा रहा है वही एक ऐसा ट्रस्ट क्रिएट करे और एक्सेस मनी का इस्तेमाल लोगों के बेटरमेंट के लिए करे, तो ऑटोमेटिकली समाज में जो है कोई भी जो है गरीब नहीं रहेगा और हर कोई जो है अपलिफ्ट होगा। ये गांधी जी की थिंकिंग है। Hence the excess wealth must be used for the benefit of the poor for forming the trust through which the rich themselves will undertake activities and benefit the poor. The society should inherit an excess wealth and not the individual. ये जो है basic concept है trusteeship का, duty instead of right, बराबर है। गांधी जी बोलते हैं right से ज्यादा duty conscious हो। आजकल हम हर कोई जो है right conscious ज्यादा हो रखा है, हर किसी को अधिकार चाहिए लेकिन किसी को भी अपने कर्तव्य निभाने नहीं है, तो यहीं पे जो है क्लशिंग क्रिएट हो रहा है। अगर आज आप ये जो किसान आंदोलन भी अगर आप देख रहे हो बच्चों, तो इसके पीछे भी यही चीज़ है, पीपल आर राइट कॉन्शियस, हमें हमारे अधिकार दे दो भाई, लेकिन हमारी जो है देश के लिए समाज के लिए लोगों के लिए कुछ फर्ज है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेकर जो है कोई किसी को लेना देना नहीं है। और देखो मजेदार बात, अगर आप पूरा का पूरा सिनारियो अगर आप अभी यहाँ देख रहे हो, हर कोई अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। Doesn't matter whether it is Supreme Court, government, or those who are doing the agitation. सब के सब और हर कोई अपनी जवाबदारी दूसरों के सिर पर डालने की कोशिश कर रहा है। पंग तो पंगा यही है कि everyone are the right conscious, but nobody is the duty conscious. और वही चीज़ जो है समाज के लिए बहुत बड़ा घातक होता है, जिसके अपोज में गांधी जी थे। नेक्स्ट, अवेयरनेस, रेफरेंडम एंड सोशल चेंजेस। मतलब जब भी कोई नए रिफॉर्म या किसी भी चीज़ की बात की जाए तो उस समय जो है समाज का सहकार, उसको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। ये जो है एक बहुत बड़ा कंसेंसस है बच्चों, बराबर है। तो वहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट की कोई जगह नहीं रहेगी, गांधी जी का ये कहना था। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ट्रस्टीशिप इज अ सोर्स ऑफ रीवैल्यूएशन और रेडिकल सोशल चेंज, इट कैन नॉट ब्रॉट अबाउट बाय फोर्स बट द वॉलंटरी सोशल चेंज, बराबर। आप किसी भी बदलाव को जबरदस्ती नहीं करवा सकते जबकि लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ना हो। गांधी जी डिड नॉट प्रमोट द आइडिया ऑफ वेरी हाई टैक्सेस एंड फोर्सफुल कॉन्फिकेशंस ऑफ वेल्थ ऑफ द रिच। ही सेड अ पब्लिक ओपिनियन कैन बी बिल्ड फॉर ब्रिंग अबाउट द सोशल चेंजेस। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी। मतलब गांधी जी इज ऑलवेज बिलीव दैट वॉट एवर बेनिफिट इज देयर इट शुड बी द मास नॉट फॉर द क्लास। कुछ लोगों के हाथ में अकुमुलेट नहीं हो जाना चाहिए बेनिफिट, बेनिफिट हर किसी को मिलना चाहिए। नेक्स्ट, कंपनसेशन टू द ट्रस्टी। अच्छा, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग ये काम कर रहे हैं तो उन लोगों के ऊपर भी स्टेट अपना लिबरल रवैया दिखाए, उनको सप्रेस करने की कोशिश नहीं करे, उन लोगों को उल्टा सपोर्ट करे, बराबर है, बाई मेकिंग लॉ एंड अनदर वे। तो ये भी जो है गांधी जी की थिंकिंग में आता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपोजिशन ऑफ नेशनलाइजेशन। आज की तारीख में क्या हो रहा है, हर चीज़ का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, मतलब वो प्रॉपर्टी सरकार की हो रही है। गांधी जी इसके बिल्कुल एंटी थे भाई, उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि भाई किसी भी चीज़ का राष्ट्रीयकरण हो, बराबर है। वो उसका सामाजिकीकरण करना चाहते थे, बराबर है, राष्ट्रीयकरण नहीं। गांधी जी अपोज द आइडिया ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, और उनके फॉलोअर लोगों ने क्या किया, चाहे फिर वो जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे वो इंदिरा जी हों, हर चीज़ का उन्होंने नेशनलाइजेशन किया। नाम सब लोगों ने गांधी जी के नाम का ठप्पा मारा, लेकिन किया अपने मन का जो गांधी जी के एग्जैक्ट अपोज में था, वो सब चीजें उनके जो है सक्सेसर लोगों ने की।
of the resources for the production and to abolition of poverty property right to bring out the economic equality. Such nationalization would decrease the moral and ethic of the people and turn them against the state. बराबर है, क्योंकि जब आप लोगों को जो है उनकी जो संपत्ति है उसका अधिकार नहीं दोगे तो लोग आपके लिए क्यों काम करेंगे भाई. गांधी जी open that he would allow rich capitalist and landlord to retain the ownership of their possessions but would convince them to become the trustee and use their wealth for the good society. Next, appointing the successor. ये बड़ा important है. गांधी जी idea of the trusteeship also raised the question of appointing a successor to the wealth of the trust. भाई उसका मालिक कौन बनेगा. बराबर है, समझो क्या कहते हैं, एक एक जनरेशन में एक जना है, उसके जाने के बाद में कौन उसको उसका ट्रस्टी होगा. देर इज नो नीड टू इंट्रस्ट द ट्रस्ट टू द सोसाइटी और द स्टेट. द एक्चुअल ओनर शुड एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी. दस इन अ वे ऑफ सोसाइटी विल ओन द रिसोर्स. हाउएवर द प्रेजेंट ट्रस्टी कैन नेम द सक्सेसर हु विल बी द ट्रस्टी आफ्टर हिज डेमिस. And the new trustee will also be representative of the asset of the asset, not the owner. बड़ी मजेदार बात है. बराबर, the state of society can't seize the property of the trust. The successor should be appointed through the legal procedure. Gandhiji suggested that through the owner of the wealth can name the successor of the trust. The state must monitor the functioning of the trust. Next, state control, जो सबसे last part है. बराबर, राज्य की क्या जवाबदारी है. बराबर, यहाँ पर जो है गांधी जी का जो है trusteeship का concept खत्म होता है. When the owner do not form a trust and their wealth voluntarily, the state can under certain cases direct and use the private wealth with the minimum force or violences. Therefore, he suggested this only for some form of wealth and not for type of wealth. This can be done after the evaluating the value in which the wealth was accumulated. The state can take control of some type of private property and after providing adequate compensation of the owner. In the context of principle of trusteeship, Gandhiji state the three forms of trusteeship: owner with the private sector, formation of trust and ownership with the public sector. Gandhi ji has also expressed his thoughts regarding the Swadeshi movement. बराबर, और इन सब चीजों में focus Gandhi ji का ये रहता था कि maximum चीजें जो हैं वो स्वदेशी हो, विदेशों के machine tools के ऊपर जो है बने उतना जो है हमको सहारा लेना नहीं है. Corporation importance of small cottage and village industries, equality, dignity of the woman, etc. His thought pertain of welfare and humanism. बराबर, पूरा का पूरा उनका जो केंद्र था वो मानवतावादी था. Modern day economists have drawn from Gandhiji's view from time to time to provide the new direction to the world. Solution to the problem of poverty and employment inequality, concentration of the economic power can be founded in the principle given by Gandhiji. तो ये बच्चों जो है गांधीजी का जो है thinking था. अगले लेक्चर में हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो बात है, बराबर है, जिसमें वो अंत्योदय की, गांधी जी तो सर्वोदय की बात करते थे कि भाई हर किसी का ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन इन्होंने अंत्योदय यानी कि जो बिल्कुल डाउन ट्रेंड ऑफ द सोसाइटी है, छेवाड़ा नो मानस, उसके बारे में जो है कंसेप्ट क्लियर किया है. तो अगला जो इकोनॉमिक थॉट है वो हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जो है सोचेंगे. ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर.